Assalamualaikum मेरी प्यारे सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूअर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल ड्रामा से तकदीर। नाज़रीन, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा से बनता जा रहा है क्योंकि इसमें जो सैमी खान और लीजे शाह किरदार अदा कर रहे हैं, इसी वजह से ये ड्रामा सुपर हिट जाने वाला है। आज के वीडियो में आपको ड्रामा से तकदीर के बारे में, नेक्स्ट एपिसोड के बारे में फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि रूमी अपने घर में भी बहुत लाड ली है, सबकी बहुत लाड प्यार से पली है और वहाँ पर जहाँ पर उसकी शादी होने वाली है असद से, असद भी बहुत ख्याल रखते हैं, ससुराल वाले भी बहुत ज़्यादा लाड प्यार उठाते हैं। यानी रूमी की जो सास है वो रूमी से प्यार तो बहुत करती हैं, लेकिन वो जब ये सब कुछ देखेंगे कि असद उसके लिए इतना कुछ खरीद रहा है तो उनको थोड़ी सी हसद, यानी थोड़ी सी जलन महसूस होने लग जाएगी रूमी से। यानी असद यही कहेगा कि आप लोग सारी शॉपिंग कर लें लेकिन रूमी के लिए रिंग जो है वो मैं ही पसंद करूँगा इंगेजमेंट की। ये बात सुन के असद की वालदे एकदम परेशान सी हो जाती है। वो यही कहती हैं कि अभी मंगनी पे ये हाल है तो शादी के बाद क्या हाल होगा, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। यानी बड़ा नाज नखरे उठाने लग गया है वो रूमी के, जिसके बाद असद को मोहब्बत हो गई है रूमी से। वो रूमी को फ़ोन करते हैं और अपनी मोहब्बत का इजहार कर देता है। रूमी भी धीरे धीरे में पसंद करने लग गई है असद को। यानी वो खुश होती है, स्माइल करती है और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी है। रूमी और असद की इंगेजमेंट हो रही है। यानी रूमी बहुत ज़्यादा खुश है कि उसकी ज़िंदगी में रूमी बहुत ज़्यादा खुश है कि उसकी ज़िंदगी में असद जैसा लाइफ पार्टनर आ रहा है। और दूसरी तरफ असद भी बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि वो रूमी से मोहब्बत करता है। जिसके बाद असल रूमी के लिए डायमंड का सेट बनवाता है अपने घर वालों, किसी को भी कानों कान खबर नहीं होने देता। जब डायमंड का सेट देखते हैं सब लोग इंगेजमेंट पहनाना परेशान से हो जाते हैं, लेकिन रूमी की खुशी की कोई इंतहा नहीं है। रूमी के घर वाले भी सब लोग बहुत खुश होते हैं, जबकि रूमी की भाभी जब ये देखती है तो अपने वालदा से यही बात करती हैं कि आपको रिमशा के लिए रिश्ता नजर नहीं आया था, जो आपने रूमी के लिए इतना अच्छा वेल सेटल रिश्ता बता दिया। ये बात सुन के यही कहेंगे उसकी वालदा कि उन्होंने मांगा ही रूमी का रिश्ता था, तो मैं अब कैसे रिमशा का रिश्ता करवा सकती थी। यानी रूमी का इतना अच्छे खानदान में रिश्ता हो रहा है, रूमी की भाभी से कोई बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो यही कहती हैं कि घर में भी सबकी लाड ली है और असद के दिल में भी इतनी जगह जल्दी बना ली है, वहाँ पर भी इतने लाड नखरे उठाए जाएंगे, लाड प्यार से वहाँ पर भी रहेगी। जबकि ये सब कुछ हो जाने के बाद, इंगेजमेंट के वापस आ जाने के बाद करके रूमी की ये सब कुछ देख के रूमी को डायमंड का सेट दिया है असद ने, असद की वालदा भी टेंशन में आ गई हैं। वो यही कहती हैं कि शादी से पहले इंगेजमेंट पे ये हाल है कि उसने डायमंड का सेट दिया है, जिसे नाज नखरे उठा रहा है रूमी के। शादी हो जाने के बाद तो असद पता नहीं सारी जायदाद उस पर लुटा देगा और मैं नहीं चाहती, मैं कोई शहजादी नहीं ला रही, इस घर की बहू ला रही हूँ। मैं कोई शहजादी ले आऊँ तो पता नहीं वो सारी जायदाद सारी दौलत लुटा देगा रूमी पे शादी हो जाने के बाद, इसलिए मैं रिश्ते यहीं पर आज अभी ख़त्म करती हूँ। रूमी की ये सब कुछ देख के ना उसकी इतनी कदर और कीमत हो रही है, असद उसका इतना ख्याल रख रहा है, उसको गिफ्ट तोहफे वगैरह दे रहा है। असद की वालदा भी टेंशन में आ गई है, वो रिश्ता ख़त्म करने की बात कर रही हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। यानी रूमी और असद की शादी हो के रहेगी। आपको ड्रामा से, न्यू ड्रामा से तकदीर नासिन कैसा लग रहा है, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूअर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल ड्रामा से तकदीर। नाज़रीन, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा से बनता जा रहा है क्योंकि इसमें जो सैमी खान और लीजे शाह किरदार अदा कर रहे हैं, इसी वजह से ये ड्रामा सुपर हिट जाने वाला है। आज के वीडियो में आपको ड्रामा से तकदीर के बारे में, नेक्स्ट एपिसोड के बारे में फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि रूमी अपने घर में भी बहुत लाड ली है, सबकी बहुत लाड प्यार से पली है और वहाँ पर जहाँ पर उसकी शादी होने वाली है असद से, असद भी बहुत ख्याल रखते हैं, ससुराल वाले भी बहुत ज़्यादा लाड प्यार उठाते हैं। यानी रूमी की जो सास है वो रूमी से प्यार तो बहुत करती हैं, लेकिन वो जब ये सब कुछ देखेंगे कि असद उसके लिए इतना कुछ खरीद रहा है तो उनको थोड़ी सी हसद, यानी थोड़ी सी जलन महसूस होने लग जाएगी रूमी से। यानी असद यही कहेगा कि आप लोग सारी शॉपिंग कर लें लेकिन रूमी के लिए रिंग जो है वो मैं ही पसंद करूँगा इंगेजमेंट की। ये बात सुन के असद की वालदे एकदम परेशान सी हो जाती है। वो यही कहती हैं कि अभी मंगनी पे ये हाल है तो शादी के बाद क्या हाल होगा, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। यानी बड़ा नाज नखरे उठाने लग गया है वो रूमी के, जिसके बाद असद को मोहब्बत हो गई है रूमी से। वो रूमी को फ़ोन करते हैं और अपनी मोहब्बत का इजहार कर देता है। रूमी भी धीरे धीरे में
पसंद करने लग गई है असद को, यानी वो खुश होती है, स्माइल करती है और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी है। रूमी और असद की इंगेजमेंट हो रही है, यानी रूमी बहुत ज़्यादा खुश है कि उसकी ज़िंदगी में रूमी बहुत ज़्यादा खुश है कि उसकी ज़िंदगी में असद जैसा लाइफ पार्टनर आ रहा है। और दूसरी तरफ असद भी बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि वो रूमी से मोहब्बत करता है, जिसके बाद असल रूमी के लिए डायमंड का सेट बनवाता है। अपने घर वालों किसी को भी कानों कान खबर नहीं होने देता। जब डायमंड का सेट देखते हैं सब लोग इंगेजमेंट पहनाना परेशान से हो जाते हैं, लेकिन रूमी की खुशी की कोई इंतहा नहीं है। रूमी के घर वाले भी सब लोग बहुत खुश होते हैं। जबकि रूमी की भाभी जब ये देखती है तो अपने वालदा से यही बात करती है कि आपको रिमशा के लिए रिश्ता नजर नहीं आया था, जो आपने रूमी के लिए इतना अच्छा वेल सेटल्ड रिश्ता बता दिया। ये बात सुन के यही कहेंगे उसकी वालदा कि उन्होंने मांगा ही रूमी का रिश्ता था, तो मैं अब कैसे रिमशा का रिश्ता करवा सकती थी। यानी रूमी का इतना अच्छे खानदान में रिश्ता हो रहा है, रूमी की भाभी से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो यही कहती हैं कि घर में भी सबकी लाड ली है और असल के दिल में भी इतनी जगह जल्दी बना ली है, वहाँ पर भी इतने लाड नखरे उठाए जाएंगे, लाड प्यार से वहाँ पर भी रहेगी। जबकि ये सब कुछ हो जाने के बाद, इंगेजमेंट के वापस आ जाने के बाद करके रूमी की ये सब कुछ देख के रूमी को डायमंड का सेट दिया है असद ने, असद की वालदा भी टेंशन में आ गई हैं। वो यही कहती हैं कि शादी से पहले इंगेजमेंट पे ये हाल है कि उसने डायमंड का सेट दिया है, जिसे नाज नखरे उठा रहा है रूमी के। शादी हो जाने के बाद तो असद पता नहीं सारी जायदाद उस पर लुटा देगा। और मैं नहीं चाहती, मैं कोई शहजादी नहीं ला रही, इस घर के बहू ला रही हूँ। मैं कोई शहजादी ले आऊँ तो पता नहीं वो सारी जायदाद सारी दौलत लुटा देगा रूमी पे शादी हो जाने के बाद। इसलिए मैं रिश्ता यहीं पर आज अभी ख़त्म करती हूँ। रूमी की ये सब कुछ देख के ना उसकी इतनी कदर और कीमत हो रही है, असद उसका इतना ख्याल रख रहा है, उसको गिफ्ट तोहफे वगैरह दे रहा है। असद की वालदा भी टेंशन में आ गई है, वो रिश्ता ख़त्म करने की बात कर रही हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। यानी रूमी और असद की शादी होके रहेगी। आपको ड्रामा से न्यू ड्रामा से तकदीर नासिन कैसा लग रहा है, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूअर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माई चैनल। ड्रामा से तकदीर नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा से बनता जा रहा है, क्योंकि इसमें जो सैमी खान और लीजे शाह किरदार अदा कर रहे हैं, इसी वजह से ये ड्रामा सुपर हिट जाने वाला है। आज के वीडियो में आपको ड्रामा से तकदीर के बारे में, नेक्स्ट एपिसोड के बारे में फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से तकदीर के नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि रूमी अपने घर में भी बहुत लाड ली है, सबकी बहुत लाड प्यार से पली है, और वहाँ पर जहाँ पर उसकी शादी होने वाली है असद से, असद भी बहुत ख्याल रखते हैं, ससुराल वाले भी बहुत ज़्यादा लाड प्यार उठाते हैं। यानी रूमी की जो सास है वो रूमी से प्यार तो बहुत करती हैं, लेकिन वो जब ये सब कुछ देखेंगे कि असद उसके लिए इतना कुछ ख़रीद रहा है, तो उनको थोड़ी सी जलन महसूस होने लग जाएगी रूमी से। यानी असद यही कहेगा कि आप लोग सारी शॉपिंग कर लें, लेकिन रूमी के लिए रिंग जो है वो मैं ही पसंद करूँगा इंगेजमेंट की। ये बात सुन के असद की वालदे एकदम परेशान से हो जाते हैं। वो यही कहती हैं कि अभी मंगनी पे ये हाल है तो शादी के बाद क्या हाल होगा, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। यानी बड़ा नाज नखरे उठाने लग गया है वो रूमी के, जिसके बाद असद को मोहब्बत हो गई है रूमी से। वो रूमी को फ़ोन करते हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार कर देता है। रूमी भी धीरे धीरे में पसंद करने लग गई है असद को, यानी वो खुश होती है, स्माइल करती है और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी है। रूमी और असद की इंगेजमेंट हो रही है, यानी रूमी बहुत ज़्यादा खुश है कि उसकी ज़िंदगी में असद जैसा लाइफ पार्टनर आ रहा है। और दूसरी तरफ असद भी बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि वो रूमी से मोहब्बत करता है, जिसके बाद असल रूमी के लिए डायमंड का सेट बनवाता है। अपने घर वालों किसी को भी कानों कान खबर नहीं होने देता। जब डायमंड का सेट देखते हैं सब लोग इंगेजमेंट पहनाना परेशान से हो जाते हैं, लेकिन रूमी की खुशी की कोई इंतहा नहीं है। रूमी के घर वाले भी सब लोग बहुत खुश होते हैं। जबकि रूमी की भाभी जब ये देखती है तो अपने वालदा से यही बात करती है कि आपको रिमशा के लिए रिश्ता नजर नहीं आया था, जो आपने रूमी के लिए इतना अच्छा वेल सेटल्ड रिश्ता बता दिया। ये बात सुन के यही कहेंगे उसकी वालदा कि उन्होंने मांगा ही रूमी का रिश्ता था, तो मैं अब कैसे रिमशा का रिश्ता करवा सकती थी। यानी रूमी का इतना अच्छे खानदान में रिश्ता हो रहा है, रूमी की भाभी से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो यही कहती हैं कि घर में भी सबकी लाड ली है और असद के दिल में भी इतनी जगह जल्दी बना ली है, वहाँ पर भी इतने लाड नखरे उठाए जाएंगे, लाड प्यार से वहाँ पर भी रहेगी। जबकि ये सब कुछ हो जाने के बाद, इंगेजमेंट के वापस आ जाने के बाद करके रूमी की ये सब कुछ देख के रूमी को डायमंड का सेट दिया है असद ने, असद की वालदा भी टेंशन में आ गई हैं। वो यही कहती हैं कि शादी से पहले इंगेजमेंट पे ये हाल है कि उसने डायमंड का सेट दिया है,
नाज नखर उठा रहा है रूमी के। शादी हो जाने के बाद तो असद पता नहीं सारी जायदाद उस पर लुटा देगा। और मैं नहीं चाहती, मैं कोई शहजादी नहीं ला रही, इस घर के बहू ला रही हूँ। मैं कोई शहजादी ले आऊँ तो पता नहीं वो सारी जायदाद सारी दौलत लुटा देगा रूमी पे शादी हो जाने के बाद। इसलिए मैं रिश्ते यहीं पर आज अभी ख़त्म करती हूँ। रूमी की ये सब कुछ देख के ना उसकी इतनी कदर और कीमत हो रही है। असद उसका इतना ख्याल रख रहा है, उसको गिफ्ट तोहफे वगैरह दे रहा है। असद की वालदा भी टेंशन में आ गई है, वो रिश्ता ख़त्म करने की बात कर रही हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। यानी रूमी और असद की शादी होके रहेगी। आपको ड्रामा से या न्यू ड्रामा से तकदीर नासिम कैसा लग रहा है, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूअर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माई चैनल। ड्रामा से तकदीर नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा से बनता जा रहा है, क्योंकि इसमें जो सैमी खान और लीजे शाह किरदार अदा कर रहे हैं, इसी वजह से ये ड्रामा सुपर हिट जाने वाला है। आज के मैं आपको ड्रामा से तकदीर के बारे में नेक्स्ट एपिसोड के बारे में फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से तकदीर के नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि रूमी अपने घर में भी बहुत लाड ली है, सबकी बहुत लाड प्यार से पली है, और वहाँ पर जो है उसकी शादी होने वाली है असद से। असद भी बहुत ख्याल रखते हैं, ससुराल वाले भी बहुत ज़्यादा लाड प्यार उठाते हैं। यानी रूमी की जो सास है वो रूमी से प्यार तो बहुत करती हैं, लेकिन वो जब ये सब कुछ देखेंगे कि असद उसके लिए इतना कुछ खरीद रहा है, तो उनको थोड़ी सी हसद इन थोड़ी सी जलन महसूस होने लग जाएगी रूमी से। यानी असद यही कहेगा कि आप लोग सारी शॉपिंग कर लें, लेकिन रूमी के लिए रिंग जो है वो मैं ही पसंद करूँगा इंगेजमेंट की। ये बात सुन के असद की वालदा एकदम परेशान सी हो जाती है। वो यही कहती हैं कि अभी मंगनी पे ये हाल है, तो शादी के बाद क्या हाल होगा, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। यानी बड़ा नाज नफर उठाने लग गया है वो रूमी के, जिसके बाद असद को मोहब्बत हो गई है रूमी से। वो रूमी को फ़ोन करते हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार कर देता है। रूमी भी धीरे धीरे में पसंद करने लग गई है असद को। यानी वो खुश होती है, स्माइल करती है, और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी है। रूमी और असद की इंगेजमेंट हो रही है। यानी रूमी बहुत ज़्यादा खुश है कि उसकी ज़िंदगी में असद जैसा लाइफ पार्टनर आ रहा है, और दूसरी तरफ असद भी बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि वो रूमी से मोहब्बत करता है। जिसके बाद असल रूमी के लिए डायमंड का सेट बनवाता है, अपने घर वालों किसी को भी कानों कान खबर नहीं होने देता। जब डायमंड का सेट देखते हैं सब लोग इंगेजमेंट पे हैरान परेशान से हो जाते हैं, लेकिन रूमी की खुशी की कोई इंतहा नहीं है। रूमी के घर वाले भी सब लोग बहुत खुश होते हैं, जबकि रूमी की भाभी जब ये देखती है तो अपने घर अपने वालदा से यही बात करती हैं कि आपको रिश्ता के लिए रिश्ता नजर नहीं आया था, जो आपने रूमी के लिए इतना अच्छा वेल सेटल रिश्ता बता दिया। ये बात सुन के यही कहेंगे उसकी वालदा कि उन्होंने मांगा ही रूमी का रिश्ता था, तो मैं अब कैसे रिमशा का रिश्ता करवा सकती थी। यानी रूमी का इतना अच्छे ख़ानदान में रिश्ता हो रहा है, रूमी की भाभी से कोई बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो यही कहती हैं कि घर में भी सबकी लाड ली है, और असद ये दिल में भी इतनी जगह जल्दी बना ली है, वहाँ पर भी इतने लाड नखरे उठाए जाएंगे, लाड प्यार से वहाँ पर भी रहेगी। जबकि ये सब कुछ हो जाने के बाद, इंगेजमेंट के वापस आ जाने के बाद करके रूमी की सब कुछ देख के रूमी को डायमंड का सेट दिया है असद ने। असद की वालदा भी टेंशन में आ गई हैं, वो यही कहती हैं कि शादी से पहले इंगेजमेंट पे ये हाल है कि उसने डायमंड का सेट दिया है, जिसे नाज नखर उठा रहा है रूमी के। शादी हो जाने के बाद तो असद पता नहीं सारी जायदाद उस पर लुटा देगा। और मैं नहीं चाहती, मैं कोई शहजादी नहीं ला रही, इस घर के बहू ला रही हूँ। मैं कोई शहजादी ले आऊँ तो पता नहीं वो सारी जायदाद सारी दौलत लुटा देगा रूमी पे शादी हो जाने के बाद। इसलिए मैं रिश्ते यहीं पर आज अभी ख़त्म करती हूँ। रूमी की ये सब कुछ देख के ना उसकी इतनी कदर और कीमत हो रही है। असद उसका इतना ख्याल रख रहा है, उसको गिफ्ट तोहफे वगैरह दे रहा है। असद की वालदा भी टेंशन में आ गई है, वो रिश्ता ख़त्म करने की बात कर रही हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। यानी रूमी और असद की शादी होके रहेगी। आपको ड्रामा से या न्यू ड्रामा से तकदीर नासिम कैसा लग रहा है, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।